देखिए मेरे हाथ में तो है नहीं मैं एक्टर हूँ ये प्रोडक्शन हाउसेस प्रोड्यूसर्स जो लोग फिल्में बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं आ, मेरे हिसाब से अच्छा ही है कि आ, मेरे लिए तो अच्छा है कि एक फिल्म के बाद दूसरी आ रही है आ, और दोनों बिल्कुल अलग अलग फिल्में आ, बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स देखेंगे मेरे आ, अगर ऐसे कुछ लोग प्लान करने की कोशिश कर शायद कभी ज़िंदगी में नहीं होता तो ये प्लान हुआ नहीं ये बस हो गया हरमन है, है तो आपको नहीं, कि बहुत गया और करना मुझे नहीं।, नहीं मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन ये कंपटीशन नहीं है इस, इंडस्ट्री इस दौर में अभी है जहाँ की बहुत सारा काम है आ, की ज़रूरत है तो और एक्टर्स आएंगे और अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए और कैरेक्टर्स होंगे और आ, अभी जो भी नए लोग आ रहे हैं आप इमरान हरमन नील रणबीर Uh, मैं सब सब के सब दिखने में भी बिल्कुल अलग है ये नहीं कि दूसरे एक दोनों दो कोई सेम लगते हैं तो अलग अलग कैरेक्टर्स में फिट होंगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे फिल्में बनती है हमारे हैं हमारे यहाँ तो uh, वैसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कंपटीशन तो मैं नहीं लेता उस हिसाब से अपने आप अगर कंपटीशन है तो मेरे मैं खुद से करता हूँ कंपटीशन बट उनके साथ कंपटीशन नहीं है कुछ नहीं उसके बारे में क्या बताऊं मोटा था पतला हो गया तो बिल्कुल थे नहीं, थे नहीं, थे नहीं नहीं आ, नहीं कहिए नहीं बिल्कुल लुक तो अलग ही है इसमें कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं ये स्टूडेंट है मेडिकल स्टूडेंट है यंग है वहां पे थ्रिलर है लुक है अलग है ग्रंज है जैकेट्स हैं लेदर के जीन्स है मोटरसाइकिल्स हैं चश्मे हैं आ, ये भी अलग है ये बिल्कुल अलग है मैं डायरेक्टर साहब और मैंने बैठ के इस लुक को वर्कआउट किया आ, सिंपल सा लुक है जो लोग कॉलेज जाते हैं वो कैसे ज़्यादा कुछ इतना वर्क नहीं करना पड़ता उसके लिए म्यूज़िक भी तो अच्छा म्यूजिक म्यूजिक बहुत ही अच्छा है सबका सारे के सारे मेरे फेवरेट है ऑनेस्टली या अगर वो लव सॉन्ग हो जानिए या फिर कश्म हो या फिर फ्लाई हो या जिसमान फ्लाई हो आ, अवेकनिंग सॉन्ग हो आ, वो जो जागे हैं वो बहुत ही खूबसूरत गाना है तो सारे के सारे गाने इस फिल्म में बहुत अच्छे हैं गौरव दास गुप्ता गुप्ता जो नए कलकत्ता से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो भी बहुत ही यंग हैं ये भी उनकी पहली फिल्म है आ, बहुत अच्छा म्यूज़िक है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं म्यूज़िक को तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस इस म्यूज़िक को जब मैंने पहली बार सुना डेढ़ साल पहले Uh, मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से कहा कि मुझे भी एक सीढ़िया भी दे दो uh, तो रफ मिक्स आज तक मेरी गाड़ी में बचते रहता um, मतलब uh, है मैं रोज़ सुनता हूँ जी मैंने uh, uh, क्योंकि uh, दसवीं दस, दस 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 कक्षा के बाद स्टैंडर्ड के बाद मैंने यश चोपड़ा जी को दिल पागल तो है मैं असिस्ट किया। और बारहवीं के बाद ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद मैंने संजय लीला भंसाली को देवदास असिस्ट किया एक्टिंग uh, सीखने के लिए मैंने असिस्ट किया ये नहीं कि मैं डायरेक्टर बनना चाह रहा था uh, ताकि मैं रिलेशनशिप एक्टर और डायरेक्टर की देख पाऊँ एक्टर और कैमरा की देख पाऊँ एक्टर और लाइट्स की देख पाऊँ सराउंडिंग्स को देख पाऊँ टेक्निकलिटीज़ सीखा मैं uh, शाहरुख खान माधुरी दीक्षित ऐश्वर्या राय uh, इन सब को एक्टिंग करते हुए देख पाया मैं वो मेरी खुशनसीबी थी कि मैं वहाँ पे खड़ा हो सकता था जहाँ पे संजय भंसालिया या चोपड़ा शाहरुख खान को डायरेक्शन दे रहे थे तो वही मतलब स्कूल मतलब उससे अच्छा स्कूल तो कोई हो नहीं सकता अ, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो फिर मैंने छः महीने का वर्कशॉप किया एन के साथ अ, बस और उसके बाद काम uh, बहुत ही पहले तो यंग फिल्म है आजकल के यूथ के बारे में है और आज का जो यूथ है वो कल के देश का फ्यूचर है आ, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कल के लीडर्स आज के बच्चे हैं हमारे देश की जो रन करेंगे और, और बहुत ही यूथफुल फिल्म है ये आ, इन टर्म्स ऑफ रियल फिल्म है इसमें रियल क्वालिटीज़ हैं कि जैसे आ, जो यूथ है वो किस मोड़ से गुजरता है और कैसे बिल्कुल बदल जाते हैं लोग आ, अच्छे के लिए बहुत ही पर्टनेंट इशू है फार्मर सुसाइड्स के बारे में आ, फिल्म जो देश में चल ही रहा है कुछ सालों से काफ़ी सालों से आ, तो मॉरल वैल्यू है फिल्म में आ, ये जो है का प्रॉब्लम अब मुझे इतना मैं सीख पाया ये फ़िल्म करके आप सोचिए और कितने लोग सीखेंगे कितने लोग जानेंगे जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं कि वे धर्मा में क्या क्या हो रहा है बाक़ी सब जगह हालांकि अभी जो बजट आया उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट में अच्छा किया इन लोगों के लिए आ, बट फिर भी चल रहा है तो इशू बेस्ड फिल्म है और ये इशू बहुत स्ट्रॉग है और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है जैसे इशू और स्क्रिप्ट दोनों साथ में आए हैं पता नहीं लगता तो इंटरेस्टिंग फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है